नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं माह जुलाई वर्ष 2020 के ग्रहों की स्थितियों को लेकर। कौन से ग्रह किस राशि में होंगे, कब वो वक्री होंगे, कब वो मार्गी होंगे, कब वो अपना राशि परिवर्तन करेंगे, किस ग्रह के साथ क्या घटनाएं घटित होने वाली है माह जुलाई में, इस बारे में आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं। दोस्तों, एक बात यहां पर आपसे शेयर करना चाहूंगा कि यदि आप इसी तरह का वीडियो हर माह देखना चाहते हैं, यदि आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं, यदि आप खुद की कुंडली खुद पढ़ना सीखना चाहते हैं, राशिफल समय समय पर जानना चाहते हैं, चाहे दैनिक राशिफल, चाहे साप्ताहिक, चाहे मासिक, चाहे वार्षिक राशिफल जानना चाहते हैं, यदि आप ज्योतिष के नाम पर हो रही लूटपाट से बचना चाहते हैं, समय समय पर जो ग्रह गोचर करते हैं, अपनी चाल बदलते हैं, उसका आपके ऊपर अपना प्रभाव समय समय पर, इस अपडेशन को जानना चाहते हैं, इस प्रभाव को जानना चाहते हैं, इसके आधार पर राशिफल जानना चाहते हैं, तो इस चैनल के साथ बने रह सकते हैं। यदि आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ढेर सारे हजार से भी ऊपर वीडियोस इस YouTube चैनल पर आपको मिल जाएंगे। यदि आप इस वीडियो को Facebook पेज पर देख रहे हैं या फिर Instagram पर, Twitter पर कहीं देख रहे हैं तो भी आप इस पेज को लाइक कर सकते हैं, फॉलो इसे कर सकते हैं Twitter या Instagram को, ताकि आपको समय समय पर ये सारे नॉलेजेस जो भी मैंने आपसे अभी कहे हैं मिलते रहें। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि आपने इन सबको सब्सक्राइब, फॉलो, लाइक करके रखा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले सूर्य देवता की बात करते हैं। सूर्य देवता जो है वो 16 तारीख तक, 16 जुलाई तक मिथुन राशि में रहने वाले हैं। ये जो वीडियो आपको मिल रहा है, इसके दो या तीन वीडियोस पहले ही आपको एक वीडियो मिलेगा जिसमें सूर्य देवता के बारे में मैंने बताया है कि मिथुन राशि में जब सूर्य देवता ने गोचर किया, राशि परिवर्तन किया, तो उसका आपके ऊपर क्या प्रभाव होगा। यदि आपने वीडियो नहीं देखा तो उसे जाकर के आप देख सकते हैं। 16 जुलाई तक मिथुन राशि में रहने वाले हैं सूर्य देवता। 16 जुलाई के बाद पूरा जो आधा महीना बचा इसमें कर्क राशि में अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे। तो 16 तारीख के पहले मिथुन में, 16 तारीख के बाद कर्क राशि में सूर्य देवता रहने वाले हैं। इनके बाद में मंगल देवता की बात करें तो मंगल देवता मीन राशि में है। इन्हें लेकर के भी आपको इस वीडियो के तीन या चार वीडियो पहले वीडियो मिल जाएगा जिसमें मैंने मीन राशि में मंगल देव जो राशि परिवर्तन कर रहे हैं इसका आपके ऊपर क्या प्रभाव होगा यह भी बताया। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उसे भी आप देख सकते हैं। तो पूरा माह जुलाई में मीन राशि में मंगल देवता रहने वाले हैं। मंगल देवता के बाद बुध देवता की बात करें, इन्हें लेकर के भी मैं वीडियो ऑलरेडी दे चुका हूं। बुध जो है वो मिथुन राशि में है। 12 तारीख तक मिथुन राशि में वक्री रहेंगे बुध। जी हाँ, 12 जुलाई तक मिथुन राशि जो कि बुध देव की स्व राशि है उसमें वक्री रहने वाले हैं। उसके बाद 12 तारीख के बाद ये मार्गी हो जाएंगे। पूरा माह जुलाई मिथुन राशि में ही रहने वाले हैं लेकिन 12 तारीख के पहले वक्री रहेंगे, 12 तारीख के बाद मार्गी हो जाएंगे। बुध देवता के बाद यदि हम चर्चा करते हैं गुरुदेव की, तो गुरुदेव भाई देखिए, जो भी ज्योतिष प्रेमी हैं उन्हें लगभग हर किसी को पता है कि धनु राशि में गुरुदेवता हैं इस समय। हालांकि वक्री हैं तो ऑब्वियसली पूरा माह जो है जुलाई ये धनु राशि में वक्री रहने वाले हैं। शुक्र देवता की बात करें तो शुक्र देवता वृषभ राशि में है। वृषभ राशि शुक्रदेव की खुद की राशि, स्वराशि होती है। पूरा माह जुलाई में वृषभ राशि में रहेंगे। शनि देवता, जो ज्योतिष प्रेमी है वो ये भी जानते हैं कि शनि देवता मकर राशि में है। मकर राशि शनिदेव की स्व राशि मानी जाती है लेकिन मकर राशि में वक्री हैं, तो माह जुलाई, पूरे माह जुलाई में मकर राशि में शनि देवता वक्री रहने वाले हैं। राहु देवता और केतु देवता ये अपने अपनी अपनी उच्च राशियों में है। राहु जो है वो मिथुन राशि में है, केतु जो है वो धनु राशि में है। ये पूरे माह जुलाई में इन्हीं राशियों में रहेंगे। तो दोस्तों, यहां पर मैंने आपको सारे ग्रह जो है उनके विषय में बताया कि कौन कब क्या राशि परिवर्तन या फिर क्या इनके साथ घटनाएं घटित होने वाली हैं। चंद्र देवता रह गए। चंद्र देवता के बारे में मैंने आपको नहीं बताया क्योंकि कम से कम दो दिन या ज्यादा से ज्यादा ढाई दिन में ये अपना राशि परिवर्तन कर लेते हैं। इसके आधार पर मासिक तौर पर मैं नहीं बनाता, हालांकि आपको साप्ताहिक राशिफल, दैनिक राशिफल मिलते हैं जो कि चंद्र देवता के ही राशि परिवर्तन के आधार पर होते हैं। यदि आप चाहते हैं कि चंद्र देवता को भी मैं यहाँ पर सम्मिलित करूं तो आप कमेंट के माध्यम से मुझे बता सकते हैं। दोस्तों, आपने अभी देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाले वीडियोज में, आने वाले एपिसोड्स में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आज के इस वीडियो में आपसे विदा चाहूंगा। नमस्कार।